फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन्स एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए अमृत भारत योजना से संबंधित कुछ खबर लेकर आया हूं। बात करेंगे पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों ही मंडलों के बारे में, वाराणसी मंडल, इज्जतनगर मंडल और लखनऊ मंडल से संबंधित। इनके स्टेशनों के बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन से रेलवे स्टेशन जो अमृत भारत योजना के अंतर्गत आ रहे हैं उनका कायाकल्प किया जाएगा। आपको बताएंगे भी कि अमृत भारत योजना क्या है, डिटेल से बताएंगे। दरअसल अमृत भारत योजना के अंतर्गत देश भर के 1000 रेलवे स्टेशनों को विकसित किया जाएगा, उनको सुसज्जित किया जाएगा, बताएंगे पूरा डिटेल से। फिलहाल हम जो बात करेंगे वो केवल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडलों के बारे में, इज्जतनगर मंडल, वाराणसी मंडल और लखनऊ जंक्शन मंडल। इनके जो प्रमुख बिंदु हैं, यानी कि जो आपके अमृत भारत योजना के अंतर्गत जो प्रमुख बिंदु हैं वो हम आप लोगों को बता दे रहे हैं वो क्या चीज़ हैं। फिलहाल 15 से 20 स्टेशनों का जो है वो चयन किया जाएगा तीनों ही मंडल से, और प्रमुख बिंदु इस प्रकार के हैं। स्टेशनों पर रूफ टॉप प्लाजा, लंबे प्लेटफॉर्म, गिट्टी रहित ट्रैक और 5G कनेक्टिंग के लिए प्रावधान शामिल किया जाएगा। इसके अलावा ये योजना उन सभी पिछली पुनर्विकास परियोजनाओं को समाहित कर लेगी जहाँ पर काम शुरू होना बाकी है। इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों की मास्टर प्लान तैयार करना, सुविधाओं को बढ़ाना और उनके चरणों में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना, यानी कि उनको इम्प्लीमेंट करना। योजनाओं और परिणामों में फुटफॉल और हितधारकों से इनपुट जैसे कारकों के आधार पर अनुमोदित किया जाना। जोनल रेलवे को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा अनुमोदित स्टेशनों के चयन की जिम्मेदारी है दी गई है। मॉडल में स्टेशन के कम लागत वाले पुनर्विकास की परिकल्पना की गई है जिसे समय पर निष्पादित किया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य पुरानी इमारतों को लागत कुशल तरीके से स्थानांतरित करना ताकि उच्च प्राथमिकता वाले यात्रियों से संबंधित गतिविधियों के लिए स्थान जारी किया जा सके और भविष्य के विकास को अंजाम दिया जा सके। इन स्टेशनों का तेज़ी से पुनर्विकास करने का लक्ष्य रखा गया है। तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। फिलहाल लखीमपुर रेलवे स्टेशन से एक छोटा सा व्यू है जहां पर लखनऊ छपरा एक्सप्रेस ट्रेन का रेक आकर खड़ा किया गया है। आप इसको उत्सर्ग एक्सप्रेस का रेक भी कह सकते हैं क्योंकि शेयरिंग रेक वाली ये ट्रेन है। तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत आने वाले जो रेलवे स्टेशन हैं उनके नाम हम आप लोगों को पहले बता रहे हैं, फिर लखनऊ जंक्शन मंडल, फिर आएगा इज्जतनगर मंडल। कुल मिलाकर जो आपके NER के 48 रेलवे स्टेशन हैं उनको शामिल किया गया है। पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं वाराणसी मंडल के अंतर्गत बनारस, वाराणसी सिटी, मऊ, सीवान, बलिया, देवरिया सदर, आजमगढ़, बेलथरा रोड, गाजीपुर सिटी, सलेमपुर, कप्तानगंज, भटनी, थावे के अलावा दो और नाम हैं जो पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं लखनऊ जंक्शन मंडल की, जहां पर बस्ती, खलीलाबाद, सिद्धार्थनगर, मगहर, तुलसीपुर, बलरामपुर, लखीमपुर, बढ़नी, स्वामी नारायण छपिया, मैलानी, रामघाट, बहराइच, गोला गोकरनाथ, सीतापुर, बादशाहनगर, ऐशबाग, लखनऊ सिटी व डालीगंज। अब अंत में बात कर लेते हैं इज्जतनगर मंडल। इज्जतनगर, फरुखाबाद, कासगंज, बरेली सिटी, कन्नौज, काशीपुर, पीलीभीत, लालकुआं, बदायूं, बहेड़ी, हाथरस सिटी, किच्छा, कायमगंज, टनकपुर और एक और कोई रेलवे स्टेशन है जिसका नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है। तो ये इस तरह से टोटल 48 रेलवे स्टेशन हो गए हैं। और जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी इन दो तीन स्टेशनों के नाम स्पष्ट रूप से, तो वो भी हम आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल जैसे कि उदाहरण के तौर पर लखीमपुर मॉडल स्टेशन के रूप में पहले से ही ये विकसित किया जाना था लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में जो हमने स्टेशनों के नाम गिनाए हैं इनका वाकई में कुछ किया जाएगा कायाकल्प या नहीं, ये तो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल आप लोग LTT सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नॉन स्टॉप व्यू खैराबाद रेलवे स्टेशन से देखिए। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।